लास्ट एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाया था ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में, कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो काफ़ी टाइम से चली आ रही थी और उनके कुछ फीचर्स को हमने डिस्कस किया था। और इस लेक्चर में मैं आपको ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, और एग्जाम्पल की हेल्प से हम और प्रिसाइजली इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बड़े उद्योग होते हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, जो पुराने जमाने वाले उद्योग हैं, इनमें क्या क्या फीचर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमारी बुक के अंदर एक फेमस एग्जाम्पल दे रखी है, दैट इज रूर इंडस्ट्रियल रीजन जर्मनी। देखो, जर्मनी में एक फेमस इंडस्ट्रियल रीजन है, दैट इज रूर इंडस्ट्रियल रीजन। ये एक ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन है, तो इसको पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। दिस एरिया वॉज अ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ड्यू टू द कोल एंड आयरन ओर डिपॉजिट्स। देखिए, इस रूर रीजन के अंदर बहुत सारा कोयला और आयरन डिपॉजिट्स थे यहां पर, यानी कोयला भी था और साथ में आयरन ओर के डिपॉजिट भी थे। तो लोहे को पिघलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आग की, कोयले की जरूरत पड़ती है। तो इस रूर रीजन में भारी संख्या में कोयला भी था और भारी संख्या में आयरन ओर भी थी। तो इस रीजन में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के डेवलप होने की एक आइडियल कंडीशंस थी, इस वजह से ये पूरा रीजन एक फेमस इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पर उभर के सामने आया। यहाँ पर बहुत बड़ी भारी संख्या में उद्योगों को लगाया गया। आगे इसमें लिखते हैं, बट द इंडस्ट्री स्टार्टेड श्रिंकिंग एज डिमांड ऑफ कोल डिक्लाइंड, आयरन ओर एग्जॉस्टेड, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पोल्यूशन इंक्रीज। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि वो जो आयरन ओर के रिजर्व थे, धरती के अंदर से आयरन निकाल निकाल के उसको पिघला पिघला के, उसमें से सारी चीजें निकाल के, पीछे वो जो रीजन था वहां से जो आयरन ओर था वो खत्म हो गया वहां से। ठीक है, जिस लोहे को निकाल करके वहां पर इंडस्ट्रीज चलती थी, वो लोहा वहां पर खत्म हो गया। जब लोहा खत्म हुआ तो कोल की डिमांड खत्म हो गई, क्योंकि कोल की जरूरत किसके लिए थी? लोहे को पिघलाने के लिए। जब लोहा ही खत्म हो गया तो कोल की डिमांड भी खत्म हो गई। तो ये जो एक इंटरलिंक्ड चैन था यहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप का, वो चैन ब्रेक हुआ बीच में से। उसके बाद क्या हुआ, उस इंडस्ट्रियल रीजन के बनने के कारण वहां पर खूब धुआं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, गंदगी के ढेर, पूरा एकदम मिसमैनेजमेंट, सारा इन्वायरमेंट खराब, हाउसिंग कंडीशन बेकार, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। तो ये जब ऐसी खराब हालत वहां पर पैदा हुई तो धीरे धीरे इस इंडस्ट्रियल रीजन का साइज श्रिंक होने लगा। पहले बहुत बड़े एरिया पर ये पूरा रीजन फैला हुआ था। ठीक, आप एक बार यहां पर मैप पर देखोगे, ये है जर्मनी का रूर इंडस्ट्रियल रीजन, इस रीजन की बात कर रहा हूं। पहले ये बहुत लंबे एरिया पर, लंबे चौड़े एरिया पर फैला हुआ था, बट समय के साथ साथ जब ये हालात पैदा हुए, जब आयरन खत्म हुआ, कोल की डिमांड खत्म हुई, इंडस्ट्रियल सेटअप का क्रैश डाउन हुआ, और उसके कारण पूरा जो सेटअप था वो डिस्टर्ब होने के कारण लोग बेरोजगार हो गए और वहां से शिफ्ट होना शुरू हो गए। शिफ्टिंग के कारण इस इंडस्ट्रियल रीजन का साइज घटने लगा, ये श्रिंक होने लगा, जो एयर क्वालिटी थी वो ड्रॉप होने लगी इसके कारण। तो ये हालात जब बने तो वो पूरा सिस्टम वहां पर डिस्टर्ब हो गया। तो यहां तक मैंने आपको समझाई ओल्ड रूर की कहानी, ठीक, कि जो पुराना ट्रेडिशनल रूर इंडस्ट्रियल रीजन है उसकी हालत क्या थी, उसका लैंडस्केप कैसा था। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहां पर लिखा है, नाउ अ न्यू रूर लैंडस्केप हैज इमर्ज्ड दैट फोकसेस ऑन अदर प्रोडक्ट्स लाइक ओपेल कार असेंबली। आज अगर आप वहां जाओगे ना तो आपको एक नया रूर वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा लैंडस्केप बदल गया हुआ है। जिस जगह पर पहले जमाने में गंदगी के ढेर लगे होते थे, चारों तरफ धुआं होता था, पानी बिखरा होता था, बहुत ज्यादा गंदगी और कीचड़ के ढेर लगे होते थे, उस जगह पर आज अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको पूरा नया लैंडस्केप नजर आएगा, जो पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया गया है। जहां पर पहले आयरन स्टील इंडस्ट्री और कोल माइंस हुआ करती थी, आज उस जगह पर ओपेल कार असेंबली प्लांट है। अब वहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जहां पर कार्स को असेंबल किया जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स को बनाया जाता है वहां पर। इसके साथ साथ न्यू केमिकल प्लांट्स, इंडस्ट्रीज वहां पर आज भी लगी हैं, बट कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? कार मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज एंड आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर्स, और शहर के बाहर सब अर्ब्स एरिया में जहां पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बने हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। तो ये सारे एकदम हाईटेक, वीआईपी, क्लीन, साफ सुथरे और एकदम वेल मैनेज्ड आपको सारा ये सेटअप वहां पर देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको एक इंडस्ट्रियल रीजन की कहानी सुनाई है, जो पहले
ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन के रूप पर उभर के सामने आया, फिर आगे चल करके कैसे उसका ब्रेकडाउन हुआ, और अब प्रेजेंट टाइम में उसको किस तरह से वापस मैनेज करके एक नए लैंडस्केप के अंदर उसको किस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थी कहानी रूर इंडस्ट्रियल रीजन की।